तो रिलेटेड होने वाली है ए आई से हमने काफी टाइम पहले ए आई के ऊपर काफी सारा डिस्कशन कर रखा है बट ये कैसा डिस्कशन होने वाला है उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं है, या फिर अभी नए नए जॉब सेक्टर में एंट्री किए हैं राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबके मन में एक सवाल घूम रहा है वो ये कि ए जॉब्स खाएगा बिल्कुल देखिए हर इनोवेशन की तरह ए जब से आया है तब से सबके पास यही सवाल चल रहा है कि ए जॉब्स खाएगा कि नहीं मेरी जॉब सेफ़ है कि नहीं बट अगर आप इतिहास देखें तो जब जब इनोवेशन आए तब तक कुछ जॉब्स गए भी है कुछ जॉब्स नए बने भी है राइट

लेट्स स्टार्ट ओके सो फो जो मेरे को लगता है पर्सनली और वो यही है आई एग्री विथ यू कि जो जॉब्स है हुँ. उन पर अफेक्ट होगा एंड कौन से जॉब्स पे अफेक्ट होगा मेरे को मेनली वो लगते हैं जो लेबर बेस्ड जॉब्स है एग्जैक्टली राइट राधर देन स्किल बेस्ड जॉब को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला Absolutely. है बिकॉज ए आई अभी भी बहुत इन्फेंट स्टेज में है तो कॉन्शियस होने में उसको अभी टाइम लगेगा राइट right? तो वो जब तक नहीं होता तब तक वो ह्यूमन टच नहीं दे पाएगा दैट मीन्स कि जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं जहाँ पे स्किल uh, बेस्ड काम होता है वहाँ पे अभी कम इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल बट जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो होगा लेबर बेस्ड जॉब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रक राइट या फिर आप uh, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं असेंबली लाइन में काम करते हैं वो या फिर आपका एक इंस्पेक्शन चेक होता है सर्वे करते हो आप वो सब चीजें जहाँ पे भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ज्यादा ठीक है वहां पे एआई अफेक्ट करेगा एंड हो सकता है कि दस परसेंट ही मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो आपको इतना बड़ा इफेक्ट होगा उस सेक्टर पे बिल्कुल राइट right? एक फॉर एग्जांपल एक मेरे को छोटा सा एग्जांपल याद आ रहा है रिसेंटली मैं अभी किसी रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने एंड वहाँ पे मेन्यू था नहीं यू हैव टू स्कैन द दारकोड और उस पर फिर वहाँ पे आपका मेन्यूज आ जाते हैं जो ऑर्डर करते है आपकी टेबल पर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है right. और आपसे कोई वेटर या वेटरेस पूछने नहीं आती कि आप क्या खाओगे राइट right? तो मतलब एक वेटर की जॉब चली गई जस्ट बिकॉज

उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है हर दस साल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे दुनिया बदल रही है कंप्यूटर आए कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया इंटरनेट के बाद एआई आया बिल्कुल तो हर दस साल जो हमारा जनरेशन है उसको चेंज करना पड़ा है और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा है राइट और आगे जाके शायद ये फ्रीक्वेंसी और भी कम होगी बिल्कुल हर साल नया कुछ आ जाए क्या नया कुछ आ जाए तो हमें अडॉप्ट करने की क्षमता रखनी चाहिए वो अडॉप्शन का जो रेट है वो काफी फास्ट होना चाहिए फ्रॉम स्टोन मेट जो बनाए थे कभी किसी टाइम पर हम हंड गैदर्स हुआ करते थे और अब ए आई बना रहे हैं तो हम चेंज हुए हैं और वक्त के साथ चेंज भी होना है अगर आप नहीं होंगे तो घाटा ही है बिकॉज ए आई एक ऐसा जी पी टी है जनरल पर्पज़ टेक्नोलॉजी कि फॉर uh, एग्जाम्पल एक और छोटा सा कि जब तक स्टीम इंजन नहीं आया था राइट जब तक स्टीम इंजन बना नहीं था इन एटीन सेंचुरी उससे पहले जो भी ट्रांसपोर्टेशन था वो बुलक कार्ड्स में होता था राइट हॉर्स कार्ड्स में होता था और उसी के चलते पहली तो बात बहुत स्लो गया था ट्रांसपोर्टेशन दूसरा बहुत कॉस्टली पड़ता था तीसरा वक्त बहुत ज़्यादा जाता था राइट जैसे स्टीम का इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ नॉट ओनली इन रेलवे सेक्टर आपकी फैक्ट्रीज में भी सेम टेक्नोलॉजी यूज होने लगी टू प्रोड्यूस मोर कॉटन टू प्रोड्यूस मोर टेक्सटाइल्स राइट तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन से बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स बहुत जिसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट जिसको बोलते राइट right? तो वो रिपल्स काफी ज्यादा बने इस सेक्टर के अंदर और स्टीम इंजन बना उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री थी वहाँ पे भी रेवोल्यूशन आया और इंजिन जो मॉडर्न डे इंजिन है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं स्टीम इंजन से जो अभी हम पेट्रोलियम यूज करते हैं उस टाइम पे कोल यूज़ करते हैं बिल्कुल राइट सो दैट इज वन थिंग की एक छोटे से इनोवेशन ने हमें आज कहाँ ला खड़ा कर दिया है राइट हाँ। आज हम सोच भी नहीं सकते कि भैया हम बुलक कार्ट में अपना सामान ट्रांसफ़र करेंगे राइट अब कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है तो फर्स्ट थिंग हमारे आते हैं रेलवे राइट तो तो ये ये एक छोटी सी चीज़ है से दिस इज जनरल टेक कि भैया सब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है कुछ होते हैं जो इसको अडॉप्ट करते है, कुछ होते हैं कुछ होता है जो इसको बिल्कुल ही नकार देता है कि नहीं करना। मेरे पास उसका एक एग्जांपल है जिन लोगों ने नकार कर दिया था तो एक और रिसेंट एग्जांपल है कंप्यूटर्स राइट uh, मेरे पेरेंट्स केरला से और वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत फॉलो करते थे पहले तो जब कंप्यूटर्स पहली बार आए गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत सारे लोग हड़ताल पे गए थे कि कंप्यूटर लाओगे आप में हमारी अच्छी आप नहीं रैगे। 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 बट आज आप देखो तीस साल बाद आप सोचोगे, के के है। नहीं है। तो हर टेक्नोलॉजी के साथ अपोजर्स आएंगे बहुत सारे लोग ना बोलेंगे उस चीज को जैसे आपने कहा अगेंस्ट में भी होंगे यार ये चीज तो बहुत गलत है नुकसान काफी होगा इनफैक्ट बहुत सारे सिलिकॉन वैली के टुगेदर एंड साइड यू नो कि लेट्स पुट अ होल्ड ऑन द डेवलपमेंट एलन मस्क इज वन ऑफ द नेम्स जो बोल रहे हैं कि भाई एआई पे थोड़ा भी होल्ड लगाम कसनी चाहिए बट really या बट cool. अगेन yeah. uh, बात वही है कि uh, अडॉप्ट करना पड़ेगा नहीं right. आज आप देखोगे तो यू विल फील लाइक दोस पीपल वर स्टूपिड नॉट टू अडॉप्ट एक्जेक्टली तो आज एक चेंज आ रहा है और अगर आप उस चेंज से आज डर रहे हो

ए जो है वो जॉब्स खाएंगे नहीं बट आपकी जॉब को ईजी कर देंगे अगर आप उसको ढंग से इस्तेमाल करना जानते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरे कुछ ए, इंस्पिरेशन और मेरे को इंटरनेट पर कुछ मिल नहीं रहा रैल जस्ट गो टू दस्क समथिंग रैंडम स्टफ़ कि भैया अ कैट ईटिंग पीजा ऑन मून तो जो जो वहाँ पे फोटोज़ वो बना के देगा आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिन क्रिएटिविटी के साथ और ख़ुद का एक खुद बना सकता हूँ मैं एक तो ये बात हो गई दूसरा ऑन दी अदर हैंड जो चीटर्स होते हैं राइट जो हर एक मेल फंक्शन होता है हर एक आ, जिसको बोलते हैं हर एक टेक्नोलॉजी का शोषण होता है राइट जो इसको तो इसका ये भी होता है कि फेक सीवी बन जाती है कुछ फेक असाइनमेंट कर लेते हो आप लोग जाके इसको यूज करके सो तो हाँ दो धारी तलवार है बट किस तरीके से यूज करते हो एक जो बोलते हैं छुरी है इंसान को भी काट सकती है और एक यू नो फ्रूट को भी काट सकती है वेजिटेबल को भी काट सकती है चीतास जो बोल रहे हैं आप पे आई थिंक वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा एक्जेक्टली exactly. और, और मैं ये बोलने वाला था कि अभी रिसेंटली सॉरी टू कट यू ऑफ बट देयर इज आज सुबह मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि जो सीवी चैट जीपीटी से बन के आ रही है ना सो रिक्रूटर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई कि चैट जीपीटी हाँ, से बनी है

जो बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, नहीं। ताकि एक मेरे को outline मिल जाए मेरे को पता लग जाए मेरे को किस डायरेक्शन में काम करना है आगे तो वो मेरा जो टाइम है वो एआई बचा देता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एआई बता रहा है वही सच है बिकॉज अभी भी एआई uh, पूरा जिसको द हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं है राइट right. राइट right. और जो कुछ लोग जो अपोज कर रहे AI को को यूज़ वो लोग ये बोल रहे हैं कि uh, कि हर्ट करेगा इंसान के हुँ, but हुँ. मेरा उसके में एक, uh, argument है कि आपको पता है right. होगा right. फा, तो, हाँ तो अगर कैलकुलेटर के इन्वेंशन से इंसान का मैथमेटिकल स्किल्स खराब नहीं हुए तो ए इन्वेंशन से क्रिएटिविटी क्यों खत्म बट आई काउंटर आर्ग्यूमेंट इसको लेके की अभी मैं आपसे बोलूंगा 23 थ्री इंटू फिफ्टी एट राइट 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 एक्सट्रीम हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें जहाँ तक जो पढ़ाया जाता है वो hmm. दसवीं तक की टेबल पढ़ाई जाती है और वो पूरी रटी जाती है तो वो याद रहती है बट यहाँ पे यही बात आ जाती है कि अगर जो स्किल बेस्ड इसको बोल रहे हैं अपने, hmm. तो कैलकुलेटर uh, के आने से इनफैक्ट तो किसी की जॉब नहीं गई गए, नहीं ठीक है कंप्यूटर्स आने से जॉब का एन्वायरमेंट चेंज हुआ है जॉब्स uh, बदली है वो खत्म नहीं हुई है राइट और आज के टाइम पे भी हम अपने कंप्यूटर्स को एज अ साइड के क्यूज करते हैं जिस पे हम काम करते हैं कंप्यूटर हमारे लिए काम नहीं करता है राइट तो ये सारी चीजें हैं आई आई गेट यू पॉइंट एंड आई एग्री टू द आर्ग्यूमेंट कि भाई ये होगा कि ए आने से आ, किसी की जॉब नहीं जाएगी वो नेचर स्किल कम कम ना स्किल कम होगी और ना ही और वो सिर्फ क्या होगा वो जो नेचर होगा जॉब या फिर आपका आपका थिंकिंग का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्रिएटिविटी खत्म नहीं होगी हाँ बिल्कुल पॉइंट इज बिल्कुल या क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेंटर को बोलो एक पेंटिंग पेंट paint करने को विद स्पेसिफिक की वर्ड्स हो कर भी देगा और ऑन दी अदर हैंड आप ए की पेंटिंग आप देखोगे राइट right? और जो डिफरेंस मिलेगा आप यू विल बी यूल नो किस कौन सी इंसान ने बनाई और कौन सी ए ने बनाई right. है राइट right? तो ये जो डिफरेंस है ये अभी भी है जो स्किल बेस्ड uh, जो एक बोलते हैं एक फाइन लाइन है जो अभी भी ए को उधर होल्ड करके रखी हुई है कि भैया अभी तुम

उसकी वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी बिकॉज कॉपी इतनी हो, है, so much, uh, इतनी हो right. रही है इट इज गेटिंग सो मच प्यार एंड पॉपुलर इतनी हो रखी है कि इट विल नो वैल्यू ऑटोमैटिकली ऊपर जाने वाली है एट दिस पॉइंट आई लाइक टू ब्रेक अवे फ्रॉम द डिस्कशन और

टू अ सोसाइटी जहां पे टेक्नोलॉजी के बिना जीवन मुमकिन नहीं है hmm. जो फेज देखा है राइट right? uh, क्योंकि आई एग्री टू द पॉइंट कि हमने स्टार्ट ही लेटर राइटिंग से किया था आई स्टिल पे तो होते नहीं थे right. तो अब जाके हम ईमेल लिख, लिख रहे हैं right? राइट right. तो फ्रॉम एवोल्यूशन फ्रॉम हार्डवेयर पहले क्या हार्डवेयर uh, में एवोल्यूशन होता hmm. था कि भाई ये हार्डवेयर कैपेबल हो जाएगा तो अच्छी हो जाएंगे right. और चलता रहा बट नाउ वी हैव आल्सो सीन कि अब वो फेज आ चुका है दुनिया में कि अब हार्डवेयर पे इतना एवोल्यूशन नहीं हो रहा है एक स्टेगनेट जिसको बोलते हैं सैच्यशन पॉइंट आ चुका है ऑन दी अदर हैंड सॉफ्टवेयर में जो अभी फिलहाल कुछ सालों से जो इंप्रूवमेंट्स आने लगे हैं चाहे वो गूगल की तरफ से हो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हो

कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के पीछे जो प्रोसेसेस होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई थंबनेल मेकिंग हो गई वीडियो एडिटिंग हो गई राइट रिसर्च पार्ट हो गया कहीं कही ना कहीं ये जो लाइनअप है पाइपलाइन है इस पर काफी जगह इफेक्ट हमें देखने को मिल भी सकता भी है नॉट पूरा का पूरा वो वॉश ऑफ कर देगा बट कहीं ना कहीं ए फॉर एग्जाम्पल अभी प्रीमियर प्रो में ए आ चुका है राइट अभी अगर हम पॉडकास्ट ई वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने दोनों अलग अलग ऑडियो फॉर्म्स के साथ अपलोड किया तो जब आप अपने आ, जब आप बोल रहे हैं तब ऑटोमेटिकली एआई डिटेक्ट कर लेगा और आपका फेस आएगा स्क्रीन पे वो कट से ले लेगा सो so ये इतना इम्प्रूव हो चुका है अडोबी प्रीमियर प्रो कि उसमें ए आ चुका है बट अभी भी उस चीज को फाइनलाइज करने के लिए उस चीज को गाइड करने के लिए एक एडिटर का होना जरूरी है <laughs>

उसी एक स्किल की वजह से जो जॉब्स बच रही हैं ह्यूमंस की वो इसीलिए बच रही है बच रही क्योंकि हमें सोचने की क्षमता है भी भी। जिस दिन वो सोचने वाला सेंटिन uh, बींग वो तैयार हो जाएगा ए उस दिन आई डोंट थिंक ह्यूमंस की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगी इन जॉब सेक्टर बिकॉज दे विल बी डूइंग एवरीथिंग अगर रोबोट्स में सेम चीज़ आ जाती है राइट right? पूरी जिसको बोलते हैं आपकी कार आ, इंडस्ट्री बाइक इंडस्ट्री ठीक है मैन्युफैक्चरिंग की सारी की सारी इंडस्ट्री ऑप्सोलूट हो जाएगी ह्यूमंस के लिए बिकॉज पे रोबोट्स काम करते हैं एंड हेंस एक और मैं आपको चीजें बता देता हूँ नहीं होगा वो लोग क्या बोलेंगे पता है आप लोगों की जान बच रही है ठीक है आप स्ट्रेस कम आ रहा है आप दूसरी जगह और फोकस कर सकते हो बी एबल टू रीड मोर यू गेट इंटर इंटेलिजेंस मोर तो आप अपना स्किल इंप्रूव करो तो आपको दूसरी जॉब देंगे तो घूम फिर के बात तो फिर वही आ जाती है और एआई की वजह से क्या है क्वांटिटी ऑफ वर्क जरूर बढ़ेगा right. क्योंकि यू विल टेक लेसर टाइम टू डू समथिंग राइट

एग्रीकल्चर स्टिल बहुत अंडर रेटेड इंडस्ट्री है कोई उसमें जाना पसंद नहीं करता बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड अगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है वो बहुत फुलफिलिंग फुलफिलिंग जॉब है राइट राइट सो ऐसे तो वहाँ पे भी जो लेबर वर्क है ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस का एग्जांपल वहां पे लाता हूँ पे हार्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वहाँ पे वो एक बंदा लेता है ट्रक को घुमाता है अपने फील्ड पे और जितना भी हार्वेस्टिंग करनी होती है वो लेके आ जाता है अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा राइट उसमें वो अपने ट्रक को ऑटोमेट करता है राइट और वही चीज अगर होती है विद द हेल्प ऑफ ए आई सो यू नो वॉट कुड बी है साथ ही साथ यही चीज एक यूपीएस करके कंपनी है हाँ। अमेरिका की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ आज से दस साल पहले ही कर दी थी कि हर एक उन्होंने अपने ट्रक में एक माइक्रोचिप लगाया जो जियो लोकेशन भेजता है उनको कहाँ कहाँ वो जाते हैं कितनी देर वो रुकते हैं कहाँ कौन सा रूट लेते हैं सब लेके उन्होंने आ, एक अच्छा खासा डेटाबेस गैदर किया वो करने के बाद उन्होंने पाँच छः साल बाद डेटा को एनालाइज किया उन्होंने बोला कि अनाउंसमेंट्स की बेसिकली पहले तो कि हम लेफ्ट टर्न्स नहीं लेंगे हमारे इंडिया में क्या रहता है हम लेफ्ट में चलाते हैं तो अगर इंडिया की लैंग्वेज में बोले तो हम राइट right टर्न्स नहीं लेंगे ठीक है हम अपने लेफ्ट टर्न से ही सारा रूट करेंगे कवर नॉर्मली हर कोई सोचेगा यार ये तो लॉन्गर रूट रहता है ऑफ कोर्स इट इज़ अ लॉन्गर रूट लेकिन विद द हेल्प ऑफ एयर जो कैलकुलशंस हुई उसमें ये पता लगा लॉन्गर रूट्स तो वो ले रहे हैं उसी की वजह से लॉन्गर रूट लेने के बावजूद भी पेट्रोल की बचत हो रही है काम कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं लोग फटाफट भी पहुंच रहे हैं सो दिस इज द हेल्प ऑफ अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग क्या होता है कि एक रास्ता लेते हैं hmm. वो पास पड़ता है उसी से आता है hmm. हम ये नहीं सोचते कि भैया ओवरऑल टाइम किसमें ज्यादा लगेगा ये छो, छोटा है तो मे बी हम पहले पहुंच जाएंगे hmm. अनुमान में चलता है बट ए ने हेल्प किया एंड वहाँ पे उन लोगों ने पेट्रोल बचाया उन लोगों ने पॉल्यूशन होने से बचाया उन लोगों ने टाइम बचाया हाँ। या सो बेसिकली इट्स अबाउट हाउ डू यू इंटीग्रेट एआई इनटू द ट्रेडिशनल जॉब हां एक्जेक्टली अब मैं जीवन से पूछना चाहूंगा कि आप बताइए ऐसे कौन से सेक्टर्स से हैं जहां पे रेड फ्लैग्स है एआई को लेके कि भैया यहाँ अगर एआई आता है तो खतरा ही खतरा है बेसिकली हर वो जॉब जो, जो, जो रिपिटिटिव है ओके okay. जो रोज आप अगर आप सुबह से शाम तक सेम काम कर रहे हो हर रोज और सालों तक वही कर रहे हो तो वैसे वाले जैसा डेटा एंट्री राइट right. जो डेटा एंट्री हो, होते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं पेपर पेपर फॉर्म में जो होता है उसको डिजिटल फॉर्म एक्ट करते हैं exactly, ट्रांसफॉर्म कर, exactly. कर ले बिल्कुल तो वैसी जॉब चली जाएंगे सेम चीज है अगर आप टेली मार्केटर हो जिसको सेम चीज बतानी है रोज एक कॉपी आती है वही चीज आपको हर जगह बतानी है वैसे वाली जॉब चली क्योंकि अभी एक तो ए आई खुद स्क्रिप्ट लिखेगा राइट right. और फिर उसको सेंड करना बस एक बटन का बटन का राइट जाके किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को ईमेल शूट करने की yeah, जरूरत नहीं exactly. पड़ेगी तो टेली मार्केटेज और डेटा एंट्री और ऐसे कई जॉब्स जिसमें रेपिटेटिव एक्शन हो

वहाँ पे फिर भी हल्का सा ह्यूमन टच ज़रूर रिक्वायर होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स राइट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिर्फ मैं टेक की बात नहीं कर रहा जहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है एक ही सोल्यूशन से काम हो जाता है बट हेल्थ हो गई राइट अभी अपना फाइनेंस हो गया ठीक है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे ह्यूम की भी जरूरत होगी तो ये कैसा सेक्टर है पे ऑरेंजिश जिसको बोलते हैं ऑरेंज जोन में आता है ना रेड है ना ग्रीन है ऑरेंज अगर जाओ जाओ तो जाओ, पता नहीं विप्रो और टेली परफॉर्मेंस वाले या तो फिर इन्फोसिस वाले कैसे ए आई को यूज करेंगे बट या देर इज समथिंग कि आप सीख सकते हो बिल्कुल और आपने अपनी प्रीवियस जॉब की बात की तो मैं अपनी प्रीवियस जॉब की बात करता हूँ मैं पहले टीवी इंडस्ट्री में था और मैं बनाता था सब ओके अब वो जॉब तो एकदम रेड जोन में हाँ क्योंकि अगर एआई वॉइस रिकोग्शन कर सकता है और इसको ट्रांसलेट भी कर सकता है तो सब का काम खत्म हो सकता है बेसिकली हम लोग ये करते थे कि डायलॉग सुनते थे और उसको ट्रांसलेट करते थे exactly. इंग्लिश में ताकि अदर कंट्रीज में उसको प्ले किया जा सके तो सब टाइटलिंग इंडस्ट्री और जो डबिंग इंडस्ट्री है वो भी काफी खतरे में क्योंकि डबिंग के लिए भी पहले स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है अब वो स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो खुद अपने आप कर लेगा सिर्फ एक वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी अब मैंने सुना है कि अभी वॉइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी वॉइस भी बॉट राइट 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 तो, तो बेसिकली ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आज मैंने कहीं पढ़ा था कि जो वॉइस बॉड वाले जो सीन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो सेलिब्रिटी होंगे जो अपनी ऑथेंटिक मूवी बना रहे होंगे जिस लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट क्रिस ठीक है वो कैप्टन अमेरिका फोर बना रहे हैं अच्छे से और इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे बिकॉज इट्स इट इज मेक इन हॉलीवुड और वैसी मूवी है लेकिन जैसी अब वो हिंदी में आएगी ठीक क्रिस एवंस की ही आवाज़ में वो हिंदी में डायलॉग बोलेगा राइट सो so ये एक चीज़ है जो स्पेशली डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनका पेट ही उससे पल रहा है कि भाई जो डब करके काम कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन अभी भी एनिमेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री रहेगी जहाँ पे ओवर और डबिंग uh, आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी बट अदरवाइज अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है जहाँ पे आर्टिस्ट ही जो सेलिब्रिटी खुद बंद जो एक्टर है खुद ही वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी ही <laughs> टोन में बात कर सकता है तो फिर तो भैया तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसा भी देखा था कि आरियाना ग्रांडे की वॉइस में <laughs> ब्राउन मुंडे <प्ले> <laughs> अरे यार <laughs> <laughs> कोई है है ऐसी एक ऐप जो ये ट्रांसफॉर्म करती है आर्टिस्ट के वॉइस को रिकॉर्ड करके फिर वो हिंदी ट्रांसलेशन में कर दे। ओ भाई सी द थिंग इज कि कुछ भी हो रहा है आज के टाइम पे तो बात यही है कि संभल जाओ क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स जाने वाली है जॉब्स बनेगी बनेगी भी बने राइट क्रिएट भी होगी सो so, आप बताइए कि आपके हिसाब से कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं 2023 में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बेसिकली जितने भी एआई टूल्स है उसमें प्रॉम्स तो डालने ही पड़ेंगे और करेक्ट प्रॉम्पस होंगे तो ये अच्छे आंसर्स आएंगे तो जो प्रॉम्प्ट डालने वाले होते हैं उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉट किस तरह का लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है और जिससे वो बहुत ही अच्छे आंसर्स दे सकता है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है कैलिफोर्निया में तो मे बी दैट्स तो वन जॉब दैट तो इज वेरी मच इन द ग्रीन जोन तो फॉर दिस ईयर एटलीस्ट लाइक आई सेड इट कुड चेंज विद टाइम बट फॉर दिस ईयर इट्स डेफिनेटली प्रॉप्ट इंजीनियर्स मेरे को एक और जो लगता है जिस जो जोन ग्रीन में है है कि जो एथिकल ए आई ट्रेनर्स होंगे बिल्कुल राइट क्योंकि जो ए आई है वो इतना स्मार्ट है अगर आप उसको राइटली ट्रेन करें तो कुड भी पॉसिबल एक बैंक लूट ले राइट ठीक है कुड भी पॉसिबल वो किसी का अकाउंट हैक कर ले वो कुछ कुछ भी कर सकता है यार रिलीज कर कुछ भी कुछ <laughs> भी इसी ठीक है है ना वो वो वाली बात है कि उसको राइटली ट्रेन करना आना चाहिए तो वो राइट ट्रेनिंग के लिए एक एथिकल राइट पर्सन का होना जरूरी है हो उस वक्त ताकि वो एआई जो है वो रोग ना बने अल्ट्रॉन ना बने बेसिकली ठीक है वो विजन बन के रहे जो रक्षा करे अर्थ की डिस्ट्रक्टिंग द अर्थ सो दैट इज वन थिंग जो मेरे को लग रहा है कि इस सेक्टर की जो हायरिंग होगी वो काफी वाली आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्राइवेट जॉब इट वुड बी अ गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल बिकॉज क्योंकि एक्चुअली जो रेगुलेशंस लगेंगे हाँ। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही लगेंगे इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा प्राइवेट भी हो सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज वर्किंग इन गूगल और वो डिसाइड कर रहा है कि क्या सही होना चाहिए बाढ़ के लिए क्या नहीं होना नहीं। चाहिए आई थिंक दैट इज ऑल्सो कम्स इन एथिकल ए ट्रेनिंग जो रोल uh, पे होगा वो गवर्नमेंट में बहुत बड़ा होने वाला है कि वो क्या अलाउ करेंगे और क्या नहीं बेसिकलीस पीपल आर कॉल्ड एआई एथिकल इंजीनियर राइट ऐसा एक पोस्ट uh, भी क्रिएट हो रहा है नहीं, तो नहीं। जो लॉ में भी है और जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं उन लोगों के लिए ये जॉब्स काफी अच्छा है

जॉब अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से एनाइज करना पड़ेगा और अच्छे से फीडबैक्स देने पड़ेंगे जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं डेवलपर्स जो जिस टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं उनको डेटा साइंटिस्ट ग्रेट जॉब और एक और की ए आई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर आप ए आई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो mm -hmm. तो आप उसमें उस कोई खराबी आ गई या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई कुछ हेल्प ही चाहिए हो तो आप किसी ना किसी को तो कॉल करोगे ना अब ए की हेल्प ए तो करेगा नहीं वो करेंगे एकदम ह्यूमन सीज वहाँ पे भी है कि जहाँ पे भी ए प्रोडक्ट्स होंगे चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो एप्स हो या फिर आ, एक फिजिकल प्रोडक्ट आ जाए हमारे सामने एक रोबोट आ जाए वहाँ पे ए आई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे कस्टमर मैं तो ये बोलूंगा कि सेल्स कस्टमर सपोर्ट वाले भी रहेंगे ए के लिए जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि वही बात है कि जब तक स्टीम इंजन मना नहीं था तो उसके इंजीनियर्स थे नहीं उसके वर्कशॉप्स थे नहीं वो कैसे बोलते सर्विस नहीं होते थे ना अपनी बाइक्स की तरह बट अब होते हैं मतलब हुआ करते थे सो so, वही चीज़ है कि जैसे ही नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर उसके आजू बाजू रिलेटेड वाली जो जॉब्स होंगे फॉर एग्जाम्पल ए, ए की बात कर रहे हैं अभी हम वो नई आएंगी नई निकल के आएंगी ऐसे नहीं कि प्री एग्जिस्टेड पड़ी हुई है क्योंकि ए आई तो पहले था नहीं ना अभी नया आ रहा है तो जॉब्स भी नहीं बनेंगी तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो नहीं आ सकते हैं ट्रेडिशनल जॉब याद आ रहा है जो और बहुत जल्दी जाने नहीं वाली वो है एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स और प्रोफेसर exactly, exactly, exactly. इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स उसमें और एक बार उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि दुनिया में पानी बह रहा है लेकिन आप एक बूंद पानी फ्री में नहीं पी पाते हुँ. या तो आर सिस्टम लगाना पड़ता है बाहर से पेट्रोल खरीदना पड़ता है तो बिल्कुल वैसी तरह एजुकेशन पूरी दुनिया में फ्री है बट अगर आपको एक डिग्री चाहिए सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पे करना पे करना है। पड़ेगा तो इसलिए उसकी वैल्यू रहेगी और दूसरी बात है कोविड के टाइम पे हमने नोटिस किया था कि पेरेंट्स का तो सब वर्क फ्रॉम होम था उनको दिक्कत रही थी बच्चे मैनेज में तो अगर बच्चे घर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो पेरेंट्स को दिक्कत आएगी क्योंकि इतने सारे नैनीस अवेलेबल नहीं है अभी उनको भी तो अपना जॉब करना है तो स्कूल्स हमेशा चालू रहेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस कॉलेजेस खासकर के इसलिए क्योंकि उसका प्रेस्टीज अभी भी है एक आईएम में पढ़ने का एक हार्वर्ड में पढ़ने का प्रेस्टीज, प्रेस्टीज अभी भी है और उनको एक एक अच्छा लीड मिल जाता है अपने करियर में तो उनका प्रेस्टीज जब तक रहेगा और वैल्यू रहेगा एजुकेशन तो सेम अवेलेबल है बट द प्रेस्टीज ऑफ गोइंग दैट इज स्टिल दैर एंड दैट्स वाई वो

ना कि करेगा बेटर कर सकता है और वो उसने खुद मैनुअली नहीं कर रहा था उसने सारे जितना भी डेटा था वो अपने और एक ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है राइट अगर वही कॉन्सेप्ट हम हेल्थ सेक्टर में लाते हैं राइट कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट्स है एड्स के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं और इनकी दवाइयाँ इसलिए भी नहीं आ, मिल पा रही हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूमन ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता है आपको कंट्री uh, के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जाके बा, बात बात करनी पड़ती है वो सब डिफरेंट चीज़ है लेकिन एआई इसी चीज़ को मैथमेटिकली और वो सॉल्व कर सकता है इन इट्स ब्रेन तो होगा नहीं बट हाँ उनकी कैलकुलेशन uh, में या फिर एल्कोरिथम में ऑटो तो, रैन कि हम फिजिकल जाके उस चीज़ को एनालाइज करें हम टेस्ट करें uh, किसी ह्यूमन पे तो वो सक्सेसफुल निकल के आए वो आएगा कितनी देर में चार पाँच से छह दिन के अंदर ये आपको छह मिनट के अंदर वो सारी चीजें करके दे देंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में ए अच्छे और के, और ये भी हो सकता है हेल्प इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भैया मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ सिचुएशंस ऐसी हैं क्या ये सक्सेसफुल होगा यस और नो अगर हाँ तो क्यों होगा नहीं तो क्यों नहीं होगा तो ये एक प्री गाइड हमें ए हेल्प कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर और दूसरा है फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस सेक्टर मनी इज स्टिल ड्रिवन बाई ह्यूमंस ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक को ऊपर लेके जाना है नीचे लेके exactly, जाना है ह्यूमन exactly. बिहेवियर पे वो डिपेंडेंट हाँ। है तो इसलिए फाइनेंस सेक्टर अभी भी सेफ है जो पैसे को अच्छे से चलाना आता है जिनको उनका जॉब रहेगा बेसिकली जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं जो स्टॉक एडवाइजर्स होते हैं

स्टॉक्स राइट right. उसको तो पता होगा ना कि कब कैसे क्या हो रहा है फॉर hmm. अगर आप कॉन्टेंट लिख रहे हो hmm. बिना ए आई के भी लिख सकते हो बट एआ आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा करते भैया आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो ये हाँ. भी कर सकते कहीं ना कहीं उसका फायदा तो मेरे को लग रहा है कि फाइनेंस सेक्टर पे तो होगा जरूर और फाइनेंस की बात करें बैंकिंग का है आपको बैंकिंग जो वही जैसे अभी बात की थी कि वो जो नोट गिनने वाले लोग थे वो तो चले जाएंगे और कितना और जो

अगर मेरे को एंटरटेन होता है तो मैं ह्यूमन को ही देखूंगा उसी हरकतें देखूंगा देखूँगा वो क्या कर रहा है जोक कर रहा है तो जोक कर रहा है खेल रहा तो खेल रहा है बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग ए आई टू डू सेम शर्ट ओके ठीक है क्योंकि ओके फैसिनेटिंग लगेगा एक मिनट तक ठीक है दूसरे मिनट क्यों वो अपने हिसाब से कर रहा है ना कि तुम गेम खेल रहे हो तो ऐसा लगेगा कि गेम में आप अपने कंट्रोल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे है? नहीं ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ पे ए आई है प्री स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं वहाँ पे इसको बोलते हैं ऑन स्पॉट चीजें नहीं हो रही है प्री प्लान है तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है खास करके जो मूवीज है सीरियल्स है सॉन्ग्स है है ठीक हमारे वीडियो है ठीक है वहां पे बहुत कम इफेक्ट होने वाला है और ऊपर से एक बोलते जैसा अभी बात की थी पुश मिलेगा कि भैया वो क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं से इधर भी से हमें पुश मिलेगा कि भैया आप और बेटर अच्छा कंटेंट बना सकते हो वे वैसे आज का कंटेंट जो हम बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने ली, ली और एंटरटेनमेंट का पर्पस डिफाइन करना जरूरी है हजारों सालों से एंटरटेनमेंट इसलिए था था। कि लोगों के के अपने रेगुलर लाइफ बाहर कुछ और सोर्स और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए उनको जो hmm. right. तो एंटरटेनर्स right. तो तो like तो है एंटरटेनर्स जिसके पास क्रिएटिविटी है जो लोगों को हंसाना चाहते हैं जो रुला सकते कुछ अच्छा फील करवा सकते हैं उन लोगों की वैल्यू बढ़ने भी और, और तो बेसिकली जो एक्टर्स हैं ठीक है जो मूवी में एक्ट करते हैं ए उनकी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है राइट right? बट मॉड्यूलेशन modulation को चेंज कर सकता है बट ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को चेंज नहीं कर सकता है हाँ? राइट उसकी स्टोरी को वो चेंज मतलब जो शूट हो रही है उसको चेंज नहीं कर सकता तो देर आर आर लॉड ऑफ थिंग्स जो जहाँ पे ए हेल्प कर जरूर कर सकता है इन हर इंडस्ट्री बट चेंज आई डोंट थिंक सो अभी कर पाएगा हाँ भाई दे एक आज तक पे एंकर आते हैं रात को ठीक है एआई एंकर है वो ठीक है अगर आपको देखना है कि अगर वो स्क्रीन पे कैसे लगती है एआई तो आप उसको जाकर देख सकते हैं रात को आते हैं लगभग साढ़े दस बजे के उनका रहता है स्लॉट सो या और एक और जॉब आज तक की बात की तो पॉलिटिशियंस की जॉब अभी भी सही है

हमने तो काफी सारे जॉब्स डिस्कस कर लिए right. अगर कोई और सेक्टर है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप, आप हमें कमेंट्स में बताइए और मैं और समीर वापस हंड्रेड टू लेके आएंगे और उन सारे जॉब्स पे फोकस करेंगे जो हम इस बार नहीं, नहीं कर, कर, कर पाए और इन डेप्थ में करेंगे बिल्कुल और ये भी अगर आपको ए से रिलेटेड और कुछ भी टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट हम हमसे सुनना है स्पेसिफिकली क्योंकि हमने यार ऑलरेडी काफी बार ए के बारे में बता दिया है एंड हम काफी टाइम से उसको कवर कर रहे हैं सो प्लीज ठीक है अगर कुछ भी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा एंड वी हैव आर इंस्टाग्राम पेज तो वहाँ पे आइए और बात करते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज से भी रिलेटेड हम उसका आंसर करेंगे चाहे वो जॉब से या फिर ए आई से वील गो नॉ आंसर दैट राइट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक ठीक है ऑन दैट सेम चैनल सेम टाइम तब तक ही लेते हैं विदा बाय बाय